अगर आप एक कार ओनर हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स को जानना, समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, नेहा रामवानी दिस साइड एंड वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कार चालन क्या होता है, कैसे होता है, किस किस टाइप के कार चालन होते हैं। अगर आपका कार चालन हुआ है तो फिर आपको क्या करना है। आप कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं एंड आप आरटीओ रूल या फिर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, आप रेड लाइट को क्रॉस कर रहे होते हैं, आप ओवर स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं, देन आपका जुर्माने के रूप में चालान हो जाता है। इसका मोटिव आपको पनिश करके पैसे लेना नहीं होता है, बल्कि आपको ट्रैफिक रूल्स के लिए जागरूक करना होता है। कार चालन तीन तरीके के होते हैं। पहला, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपका चालान तब लेते हैं जब आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं या फिर आपके पास सफिशियंट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। दूसरा, आरटीओ डिपार्टमेंट के द्वारा। आरटीओ डिपार्टमेंट आपका चालान तब कट करते हैं जब आपके पास सफिशियंट डॉक्यूमेंट ना हो, या फिर आप हाईवेज पर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, या फिर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तब आपका आरटीओ के द्वारा चालान कट जाएगा। थर्ड है, कैमरे के द्वारा। कैमरे के द्वारा सिटी एरिया में भी होता है, हाईवे पर भी होता है। सिटी एरिया में जैसे कि आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिटी एरिया में जैसे कि आप कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कैमरा में कैप्चर हो जाएगा एंड आपका चालान हो जाएगा। एंड हाईवे पर जैसे कि आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं या फिर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो वो भी कैमरा में कैप्चर हो जाएगा एंड आरटीओ डिपार्टमेंट आपका चालान कर देंगे। अगर आपका गलती से फिर भी ट्रैफिक चालान हो जाता है तो क्या होगा, आपको ये लोग SMS करके बताएंगे कि आपका चालान हुआ है एंड आपको पे करना पड़ेगा। एंड आप किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको नहीं पे करते हैं चालान, तो आपका चालान कोर्ट में जाएगा एंड कोर्ट में आपको एडवोकेट से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो एडवोकेट आपकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे एंड आपके चालान से रिलेटेड कॉन्टेस्ट करेंगे। देन कोर्ट आपसे एक पेमेंट लेगा, एक फाइन लेगा। जब आप उस फाइन को क्लियर कर देंगे तो आपका जुर्माना मतलब चालान आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप अपने चालान को सीरियसली लीजिए। अगर आप अपने चालान को पे नहीं करते हैं तो कोर्ट एक सम्मन भेजेगा एंड आपके लिए वो एक आगे चल के सीरियस इशू बन सकता है। तो अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से कंसल्ट करें। स्क्रीन पर हमने उनका नंबर दिया, आप उनको कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपका ट्रैफिक चालान हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी दे सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें एंड ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।